रंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। फिल वक्त बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी परवान पर है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के सुप्रीमो सह युवा सांसद चिराग पासवान ने पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ एमएलसी चुनाव में अपना कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं। इसी कड़ी में गया एमएलसी चुनाव क्षेत्र से एलजेपीआर के प्रत्याशी के रूप में सत्येंद्र कुमार को चिराग पासवान ने उतार रखे हैं। उनका प्रत्याशी सत्येंद्र पूरी ताकत के साथ चुनावी अखाड़े में डटे हैं। गया जिले के चुनावी अखाड़े में डटे हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार। जाहिर हो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला है जो कड़ा है, लेकिन इसी बीच जीत हासिल करने के लिए गया चुनावी क्षेत्र में रात दिन भिड़े हुए हैं एलजेपीआर के प्रत्याशी सत्येंद्र। वे दावा करते हैं कि इस चुनावी अखाड़े में कोई चुनौती नहीं है, हम बाजी जीतने वाले हैं, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो सह युवा सांसद चिराग पासवान के मजबूत नेतृत्व की पूरी ताकत और मजबूती हमें क्षेत्र में मिल रहा है, ऐसा भरोसा जताए हैं प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार। यह बाजी उनके पक्ष में होगी, ऐसी उनकी उम्मीद और भरोसा है। जाहिर हो गया तीन के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र, जो फील वक्त प्रमुख के पद पर भी काबिज हैं। एलजेपीआर के कर्मठ सुयोग्य एवं शिक्षित प्रत्याशी है सत्येंद्र, जिन पर बैठा हुआ कोई और नहीं है। आग्रह करूंगा कि अपना एकत मत देकर वीआई बनाए, ताकि आप लोगों का जो भी समस्या है मैं उसको पूरा कर सकूं। आज तक जितने चुनाव लड़े हैं कोई प्रतिनिधि बन कर चुनाव नहीं लड़े हैं, सभी ऊपर से आए और अपना अपना काम करके चले गए। इसे मैं सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि अपना एकत मत देकर पर चिराग पासवान ने अपना भरोसा जताया है यह सीट जीतने का। गया तीन के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिला क्रमशः गया, जहानाबाद एवं अरवल शामिल है। इन तीन जिलों में पूरी ताकत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में भिड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जगह जगह छोटी चुनावी सभा करके अपने कार्यकर्ताओं और वोटर सपोर्टर को बिल्कुल मजबूत कर रहे हैं। और इसमें युवाओं का ऐसा सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए एक सुखद संयोग है। मतदान करने के लिए ताकि जब वोट हो तो पूरी मजबूती के साथ उन्हें वोट मिले, वो अपना बहुमत जुटाने में जुटे हुए हैं प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार। और इस बहुमत के जुटाने में सबसे बड़े नेतृत्व में जुटे हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, उनके साथ जुटे हुए हैं वरीय लीडर सह जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, वहीं एलजेपीआर के युवा लीडर चित्रंजन कुमार चिंटू भैया भी बहुमत लाने में अपना समय दे रहे हैं और बहुमत जुटाने में जुटे हुए हैं, ताकि भारी से भारी मतों से प्रत्याशी का विजय हो सके। इसके लिए सभी रात दिन लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और कोशिश जारी है।